एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन बैंक के यूट्यूब चैनल में सब देखने वालों को खुशामदीद। आज हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपोस्ट। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर कर दें और बेल के आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग और कन्वेंशनल गार्डनिंग में क्या फ़र्क है। जब भी हम केमिकल फर्टिलाइज़र जैसे कि यूरिया, DAP और कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र हम प्रोवाइड करते हैं तो वो आपके पौधे को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, जबकि ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड नहीं करता। इसके बरक्स जब हम किसी भी फील्ड को, किसी भी गमले को हम ऑर्गेनिक मैटर देते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, या आप दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उस ज़मीन को या सॉइल को बिल्डअप करता है। अब वो ज़मीन उस पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। कभी आपने गौर किया कि जंगल में ना कोई फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और ना ही कोई केमिकल, जबकि वहाँ हर प्लांट्स बहुत अच्छे होते हैं। उसकी सबसे मेन वजह यही है कि वहाँ पर लीफ और दूसरे प्लांट पार्ट्स गिरते रहते हैं जो कि डिकम्पोज होकर एक बेहतरीन कंपोस्ट बना देते हैं। जबकि इसके बरक्स जो आपकी फील्ड्स हैं वहाँ पर हम यूरिया, DAP और दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं जो कि हमारे पौधे को वक्ती तौर पर न्यूट्रिएंट्स तो प्रोवाइड कर देते हैं मगर हमारी ज़मीन को बेकार कर देते हैं। अब इसी की मिसाल ले लें, जंगल में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देता, कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, लेकिन वहाँ पर सब प्लांट्स हरे भरे होते हैं, वो और बेहतरीन प्रोडक्शन देते हैं। इसकी सबसे मेन वजह यह है कि वहाँ के प्लांट्स से जो कंपोस्ट बनता है उससे सॉइल फर्टाइल होती है। और अगर यही कंपोस्ट हम अपनी घर में लगने वाले पौधों, सब्जियों और दूसरे फलदार पौधों को दें तो हमारी ज़मीन भी ताकतवर होगी। जैसे जैसे हम अपनी ज़मीन को फीड करवाएंगे, अब वही ज़मीन आपके प्लांट्स को फीड करवाएगी। इसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं एक ऐसे कंपोस्ट जो कि प्रॉपर तरीके से बना हुआ हो। यानी आपने नर्सरी पे अक्सर देखा होगा कि वहाँ पर डिफरेंट गोबर खाद भी होती है जिसको आप अपने घर में लेकर आते हैं तो उसमें से एक बैड स्मेल, बदबू आ रही होती है, और उसके साथ साथ आप जब उसको गमलों में इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में उसमें जड़ी बूटियाँ जिसको हम वीड्स कहते हैं निकल आती हैं। और बास टाइम ऐसा भी देखा गया है कि आप किसी भी नर्सरी से कोई खाद लेकर आएँ तो गमलों में डालने के बाद आपकी मिट्टी में बहुत सारे ऐसे कीड़े भी आ जाते हैं जो कि आपकी पौधे की जड़ों को ख़राब कर देते हैं और फ़ायदा देने के बजाय आपके पौधे को नुकसान देती हैं। इसके लिए हम इन तमाम चीज़ों से आप अवॉइड करने के लिए आप यूज़ करें न्यूट्रिएंट रिच ऑर्गेनिक कंपोस्ट, जो कि एक साफ, पैथोजन फ्री, ऑर्डरलेस, यानी कोई भी इसमें स्मेल नहीं है, खाद और केमिकल फर्टिलाइज़र के मुकाबले में एक बेहतरीन नेमुल बदल है। ये जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सॉइल को फीड करेगी और सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करेगी जिससे आपके पौधे की हेल्थ भी अच्छी होगी, उसकी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी और सबसे बढ़कर आपका प्लांट्स अच्छे होंगे। इस कंपोस्ट में किसी भी तरह की कोई बैड स्मेल नहीं है और हाई न्यूट्रिएंट्स, हाई ऑर्गेनिक मैटर हैं इसमें। इसके अलावा ये वीड्स और जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उससे भी फ्री है। इसके अलावा ये आपकी सॉइल को फर्टाइल बनाएगा। ऑर्गेनिक मैटर ऐड होने से आपके पानी का इस्तेमाल भी कम हो जाएगा, आपकी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। ऑर्गेनिक कंपोस्ट आप हमारी वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा दराज पर भी जाकर आप हमारी गार्डनिंग शॉप से परचेस कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने के बाद आप कमेंट्स में अपना रिस्पांस दे सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये इस्तेमाल करने के बाद आपको एक बेहतरी महसूस होगी। और अगर आज से पहले आपने खाद इस्तेमाल की है जो कि आप
नर्सरी से या कहीं से भी लेकर आए हैं, और उसकी बैड स्मेल की वजह से आप इस्तेमाल नहीं कर रहे मज़ीद, तो ये ऑर्गेनिक मैटर इस्तेमाल करने के बाद, ऑर्गेनिक कंपोस्ट यूज़ करने के बाद, आप यकीनन केमिकल फर्टिलाइज़र और जो जो भी खाद आप नर्सरी से लेकर आते हैं उसका इस्तेमाल छोड़ देंगे। ये आपके पौधों में एक जान ले आएगी, इसमें किसी भी तरह के कोई भी अनवांटेड सीड्स नहीं है। तो इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अपने घर में आप केमिकल से फ्री बेहतरीन ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में यकीन पूछें, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ऑनलाइन शॉप विज़िट करके एक बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट लाजमी यूज़ करेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हम मुंतज़र रहेंगे आपके ऑर्डर के।